दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे धमाकेदार फिल्म आरआरआर के बारे में, जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर की लाजवाब एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी धमाकेदार फिल्म की शूटिंग आखिर किस प्रकार से की जाती है? यानी कि फिल्म में हमें दिखाए गए हर एक एक्शन सीन को कैसे शूट किया जाता है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसी दमदार फिल्म को आखिर कैसे बनाया गया था। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत ही रामचरण सर के धमाकेदार एक्शन सीन से होती है, जहां पुलिस स्टेशन के बाहर क्रांतिकारियों की भीड़ इकट्ठा होती है। उनमें से एक ब्रिटिश गवर्नर की फोटो पर पत्थर मारता है, तभी राम उसे पकड़ने के लिए हाथ में डंडा लिए हुए भीड़ में कूद पड़ता है। तो चलिए हम आपको इसके पीछे की शूटिंग दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे राम को रस्सियों की मदद से बांधा गया है और ट्रेन द्वारा एक से दूसरी जगह खींचा जाता है। यहां आपने देखा होगा कि राम बाहर भीड़ में जाते ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। इस सीन की शूटिंग कुछ इस प्रकार से की गई थी, जिसे आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और कई कैमराओं की मदद से हर एक सीन को बारीकी से शूट किया जाता है। दरअसल इस दृश्य के लिए करीब 5,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ा था। दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेन ब्लास्ट वाला सीन आपने जरूर देखा होगा, जहां राम और भीम एक बच्चे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सीन के लिए पहले से ही स्टूडियो में छोटे साइज के कंटेनर वाली ट्रेन को तैयार किया गया था, और फिल्म की शूटिंग के वक्त एक कंटेनर में आग लगा दी गई और रस्सी के जरिए एक डब्बे को नीचे पानी में गिराया गया, जिसे हमें लगे कि सच में कंटेनर पानी में गिरा है। और वीएफएक्स तकनीक के जरिए ये सीन को बड़ा करके दिखाया गया, जिसे हमें ये पूरा सीन असली लगे। दोस्तों, इस फिल्म में जूनियर एनटीआर ने भीम का किरदार निभाया है, जिनकी एंट्री भी काफी जबरदस्त तरीके से की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि भीम बाघ से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवी में भीम के दौड़ने का सीन कैसे शूट किया गया था? तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक कैमरामैन चलती हुई बाइक पर बैठा होता है और पीछे भीम दौड़ते हुए नजर आ रहा है, मगर आपको इसके पीछे बाघ तो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बाघ को सीजीआई की मदद से फिल्म में बनाया गया है, जिसे इस क्लिप में बखूबी देखा जा सकता है। दोस्तों, फिल्म का नाचो नाचो सॉन्ग लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, जहां इसके पीछे की शूटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे कोरियोग्राफर डांस के हर एक स्टेप्स दोनों एक्टर्स को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, और पीछे खड़े कैमरामैन हर एक एंगल से गाने को शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सॉन्ग में डांस के स्टेप्स काफी हार्ड रहे थे, जिसके लिए शूटिंग के दौरान कई बार रिटेक लेने पड़े थे। यहाँ दोनों एक्टर्स की काफी मेहनत के बाद ही ऐसे परफेक्ट सॉन्ग की शूटिंग पॉसिबल हो पाई। दोस्तों, इस मूवी में जब राम और भीम दोस्त बन जाते हैं, तब राम को घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ भीम बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सीन को काफी अलग तरीके से शूट किया गया है, जहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वैन पर कई कैमरामैन मौजूद होते हैं, और पीछे दिख रहे उन एक्टर्स को उन कैमरे में फिल्माने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे शूट करने के लिए कई बार रिटेक लेने पड़े थे। दोस्तों, इस फिल्म का ये फाइट वाला सीन तो आपने जरूर देखा होगा, जहां राम ब्रिटिश पुलिस वालों से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपको इसके पीछे की शूटिंग दिखाते हैं, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे राम को रस्सियों की मदद से बांधा गया है, और शूटिंग के दौरान वह सिर्फ उड़ के उस पुलिस वाले को मारने की एक्टिंग कर रहा है, और बाद में एडिटिंग के दौरान रस्सियों को हटा दिया जाता है और पीछे दिख रहे नीले पर्दे को जंगल के सीन में बदल दिया जाता है। दोस्तों, ये फिल्म में काफी दमदार और एक्शन सीन दिखाए गए हैं, जिसके लिए
एक्टर्स को काफी बॉडी बनानी पड़ी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में दोनों एक्टर्स ने अपनी जी जान लगा दी और काफी बढ़िया बॉडी बनाई थी, जिसके लिए उनको करीब 6 महीनों का समय लगा था। दोस्तों, यह फिल्म आज की तारीख में काफी सुपरहिट साबित हुई, जिसने करीब 1500 करोड़ जैसी मोटी रकम का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको RRR फिल्म कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें।